ऑल वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो आज हम दिल्ली दर्शन के लिए जा रहे हैं, टोटल 16 जगह पे। तो अभी बज रहे हैं 7, तो हम लोग आ चुके हैं ट्रैवलिंग बस में। अभी जल्द से तो वीडियो में बने रहिए और मुझे कैसे लगे कमेंट कर रही है। और बस मेरी सदी है, भाभी है, ईशान है, हाय कर दो दिल्ली दर्शन। तो अभी हम लोग सिटी में हैं। तो पीछे जो मंदिर दिख रहा है वहाँ पे हम लोग गए थे, पर वहाँ पे फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर से नहीं दिखा पाई। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं और फ़ोन वगैरह सब बस में था, तो बने रहिए दिल्ली दर्शन के लिए। बहुत सुंदर है। उसको बनवाया था राजा जयसिंह ने। राजा जयसिंह जो थे वो जयपुर के राजा थे, और उस टाइम इसको कहा जाता था जयसिंह पूरा पैलेस। ठीक है, पहले ही गुरुद्वारा बंगला साहब नहीं था, 1667 में इसको बोलते थे जयसिंह पूरा पैलेस। आफ्टर 1667 इसको कन्वर्ट कर दिया गया एज ए गुरुद्वारे में, और उसका नाम रख दिया गया गुरुद्वारा बंगला साहिब एंड डेडिकेटेड टू एक सिख गुरु और सिख रिलीजन गुरु हरि कृष्ण। गुरु हरि कृष्ण को ये डेडिकेटेड है। इसका शेप जो है वो रेड फोर्ट जैसा है, सॉरी इसका शेप जो है वो गोल्डन टेम्पल जैसा है, बट ये सिर्फ 40% गोल्ड है, और गोल्डन टेम्पल जो है वो पूरा 100% गोल्ड है। ठीक है, और अब हम लोग एंटर होने वाले हैं कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस जो है उसे कहा जाता है दिल्ली का दिल। ठीक है, आपकी वेबसाइट में आपको होमो बस का पुराना ऑफिस नजर आएगा। ये ऑफिस फिलहाल क्लोज हो गया आफ्टर कोविड। तो हम पहुंचने वाले हैं कनॉट प्लेस के अंदर, और कनॉट प्लेस है उसको डिज़ाइन किया था सर एडविन लुटियन ने। इस नाम को आप बोलो, उन्होंने दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन की है, जैसे कनॉट प्लेस, पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट हाउस ऑफ इंडिया, इंडिया की हैदराबाद हाउस, ओके, पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें इन्होंने डिज़ाइन की है सर एडविन लुटियन ने। और ये ब्रिटिश के फेमस आर्किटेक्चर थे। सो वेरी सून ऑन योर बोथ साइड यू कैन सी वाइट कलर बिल्डिंग्स। आपके तक कनॉट प्लेस था और 1921 में कम्प्लीट हो गया। ठीक है, टोटल 10 साल लगे कनॉट प्लेस को बिल्ड होने में। और देखेंगे गूगल मैप में तो आपको नजर आएगा पूरा राउंड सर्कल। ठीक है, सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इन आउटर सर्कल। अभी हम लोग आउटर सर्कल में एंटर हो रहे हैं। इसके अंदर एक और सर्कल है जिसका नाम है इनर सर्कल, और ये आपके दो बगल बगल में बिल्डिंग्स दिख रही है। इन सब को ब्रिटिश के फेमस आर्किटेक्चर एडविन लुटियन से डिज़ाइन किया है। 1911 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, 1921 में कंप्लीट हो गया। और कनॉट प्लेस विक्टोरिया के छोटे बेटे को, उनका नाम था डुई क्रॉस कनॉट। ठीक है, और कनॉट प्लेस जो है वो इंडिया का सबसे कॉस्टलीस्ट प्लेस है, इंडिया का सबसे महंगा प्लेस एंड सिक्स इन द वर्ल्ड। तो अभी हमें हम एंटर कर चुके हैं पुरानी दिल्ली, और ये फूड के लिए बहुत फेमस है। सो अभी हम लाल किला पहुंच गए हैं। मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी व्यू कैसा है, और बहुत अच्छा है, धूप भी निकल चुका है। कौन सा लूँगी पता नहीं, ये मैं बस चेक कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। इसमें बहुत सारा कलेक्शन है। तो ये लाल किले का अंदर है, देखिए व्यू
और बहुत पीसफुल है। लाल किला से निकल गए, अभी राजघाट आए हैं। देखिए राजघाट पहुंच चुके हैं, देखिए कितना अच्छा व्यू है। एक्चुअली वीडियो में कुछ अलग दिखता है और सामने से बहुत अच्छा दिखता है। सो विज़िट करिए, आप भी दिल्ली आए तो ज़रूर विज़िट करिए। और आप ट्रैवलिंग बस ले सकते हैं, उसमें क्या होगा आपका थोड़ा सुविधा होगा और टाइम भी थोड़ा मैनेज हो जाता है और अच्छे से घूम भी सकते हैं आप, आपके लिए ईजी पड़ेगा। इंडिया गेट आ चुके हैं, देखिए इसका मैं ब्लॉग अलग से दिखाऊंगी सामने से एकदम। सो मैं वीडियो के यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ बिकॉज बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी, सेकंड पार्ट देखिए। और दिल्ली दर्शन का बहुत अच्छा अच्छा प्लेसेस है, विजिट कर सकते हैं आप भी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बोलिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।